वेलकम बैक वंस अगेन बच्चों। तो अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को कंटिन्यू करते हुए आज हम एग्जांपल 3 सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने 2 नंबर का एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना बताया है। ये तीसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें 3 नंबर का एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 72 का एलसीएम लिया और 72 के एलसीएम में जो नंबर आए उनको प्राइम फैक्टर के रूप में यहाँ लिख दिया। 144 का एलसीएम निकाला और 144 के एलसीएम को प्राइम फैक्टर के रूप में यहाँ लिख दिया। 280 है, 280 का एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद प्राइम फैक्टर का फॉर्म में लिख दिया। अब जिस भी बच्चे को अगर एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे, लेकिन अभी बस आपको याद रखना है कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमको एलसीएम बताना है तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख देंगे। अब जब भी 3 नंबर का हमको एलसीएम निकालना होगा तो प्रीवियस में जैसा मैंने कहा था कि मैक्सिमम फैक्टर को लेना है 3ों नंबर के, वही चीज यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने कहा था कि 3ों नंबर में जो प्राइम फैक्टर मैक्सिमम बार होगा उसको एलसीएम में उतनी बार इंक्लूड करेंगे। तो इसमें प्राइम फैक्टर है 2 जो कि 3 बार आया हुआ है, इसमें प्राइम फैक्टर है 2 4 बार आया हुआ है, इसमें प्राइम फैक्टर 2 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार। तो हमने कहा कि जो प्राइम फैक्टर मैक्सिमम जितनी बार होगा एलसीएम में मैक्सिमम टाइम लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 3 टाइम्स है, यहाँ पे 4 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स। तो इन 3ों में 2 मैक्सिमम कितनी बार हुआ, 4 बार हुआ। तो एलसीएम में 2 का फैक्टर कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। अगर इससे नहीं समझ में आया तो फिर से समझते हैं। तो अगला फैक्टर यहाँ पे क्या है, 3 का है, जो कि कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। इसमें भी कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, लेकिन इन दोनों में नहीं आया हुआ है। तो हमने कहा एलसीएम में जो प्राइम फैक्टर मैक्सिमम जितनी बार आया होगा उसको उतनी बार इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे 2 बार आया हुआ है, यहाँ भी 2 बार आया हुआ है, तो मैक्सिमम 3 कितने टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स हुआ। तो एलसीएम में कितनी टाइम्स इसको इंक्लूड करेंगे, 2 टाइम इंक्लूड करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्राइम फैक्टर पे। तो अगला प्राइम फैक्टर इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन इसमें 5 आया है। तो 5 तीनों में मैक्सिमम कितनी बार आया हुआ है, 1 बार आया हुआ है, क्योंकि इन दोनों में है नहीं और इसमें है, तो मैक्सिमम कितनी बार हुआ, 1 बार हुआ, तो हम इसको 1 बार इंक्लूड करेंगे। उसी तरीके से 7 भी इन 3ों नंबर में मैक्सिमम कितनी बार आया हुआ है, 1 बार आया हुआ है, इसलिए जब हम एलसीएम लिखेंगे तो इसको भी क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि जो भी प्राइम फैक्टर है उसको देखना है कि वो मैक्सिमम कितनी बार आया हुआ है और एलसीएम में मैक्सिमम टाइम्स उसको लिख देना है। तो जब आप इसको इंटू करेंगे तो ये हो गया 16, ये हो गया 9, ये हो गया 35, तो ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 35। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और आंसर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।